मतलब नहीं है इसमें पीने हो भाई, इनमें पीने हो पीने हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वही हमारे पास भारत बेंच का बाई चक्का घोड़ा है, आप देख सकते हैं पीछे गड्डी खड़ी है। तो इसके ड्राइवर से कराऊंगा मैं आपकी बात, और वो अभी थोड़े दिन पहले 15 दिन वाली हाइड्रोलिक की कमी मैंने बताई थी ना आपको, अब वो आज जाहिर करेंगे आपके सामने। तो भाई ये हमारे ड्राइवर, तो इनसे बात कराता हूँ मैं। तो क्या दिक्कत थी गाड़ी के स्टेयरिंग में आपके? गाड़ी के स्टीयरिंग में एक तो टाइट कट रहा था, दूसरी बात जैसे गड्ढे होते थे, हाँ जी, इस तरफ गड्ढे आ जाए उस तरफ स्टीयरिंग भाग जाए। अच्छा अच्छा, और ऐसा झटके मारे इतना सर पूरे खाए में दर्द करता है। तो फिलहाल अब जो हमारे पास आए, तो हमने क्या फॉल्ट बताया आपको? फ्रंट एक्सल का बताया आपने तो फ्रंट एक्सल में कितनी चाल है स्पिंडलों में? बहुत ज्यादा चाल है। तो फिर जिस बंदे ने आपका ये काम करा है उसे ये पता होना चाहिए भी यहाँ फ्रंट एक्सल में फॉल्ट है, और कमी हाइड्रोलिक पंप खामी का खोल दिया उसने। बस फिर आपके लिए किसी के लिए जाए। तो दोस्तों फिर आपको दिखाएंगे इसमें फ्रंट एक्सल में जो फॉल्ट है, तो बने रहना वीडियो के साथ पूरी लास्ट तक वीडियो देखना। जो तो इसमें फ्रंट एक्सल में जो कमी है वो कमी बैरिंगों की थी, जिस वजह से ये स्टीयरिंग में दिक्कत आ रही थी। और इसमें फिर हमने क्या करना दोस्तों, जो इसका है फ्रंट एक्सल जो है इसके स्पिंडल वगैरह चेक करेंगे इसमें क्या दिक्कत है, जो कि स्टार्टिंग में हमने आपको दिखाया था कि वहाँ उसमें कितनी चाल है, और वो खुलने के बाद ही पता लग पाएगा। तो किसी अननोन ने इसमें हाइड्रोलिक चेंज कर दी स्टीयरिंग का फॉल्ट बताकर, तो कमी इसमें और थी और फिलहाल जो है काम और हो गया। तो दोस्तों नीचे का लोग जो है सेट है वो निकालना होगा, ऊपर का तो मैंने पहले से निकाल दिया था, और जो नीचे का है और दूसरा इसमें जो कार्टर लगी हुई है वो भी निकालनी है, क्योंकि कार्टर फंसी हुई है इसके अंदर तभी पिन बाहर आएगी। तो दोस्तों अब देखेंगे इसमें बैरिंग की क्या कंडीशन है, क्योंकि खुलने के बाद ही पता लग पाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं यही मेन होती है, और फिर इसमें खामियां हाइड्रोलिक का सिस्टम खामियां कर लेते हैं, तो ये जानकारी ना होने की वजह से समस्या आती है दोस्तों। तो सबसे पहले अपना जो कोई भी अगर गाड़ी के स्टीयरिंग में समस्या आती है, तो सबसे पहले अपने फ्रंट एक्सल के बैरिंग, खास तौर पे भारत बेंच में, टाटा में नहीं, टाटा में इतनी जल्दी बैरिंग वोरिंग का मतलब मैटर नहीं होता, हो भी जाता है मगर जल्दी से ज़्यादा इसमें भारत बेंच के जो बैरिंग है वो बैठ जाते हैं, फैल जाते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊँगा बैरिंग की क्या कंडीशन है, तो ये देख सकते हैं आप, ये बैरिंग है जो फैल गया है, मतलब वजन पड़ पड़ के ना जैसे साइड से मतलब कि चटनी सी निकल गई है, जैसे कहते नहीं वो कुछ दबा दिया उसे साइड से फैल गया पूरा। तो दोस्तों ये इसके अंदर सिमें वगैरह लगाई हुई थी, और जो सिमें इसमें एक्स्ट्रा इसलिए लगाई गई थी क्योंकि कंपनी जो आती है वो एक ही सिम डालती है, पर बैरिंग को एक्सरसाइज करके बिल्कुल फिक्स होता है स्पैंडल, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो अलग से सिम वो इसलिए लगाई गई है, शायद कहीं और इसने चेक करवाया होगा, जिससे कि ये बिल्कुल टाइट हो जाए और मतलब इसमें ऊपर नीचे की चाल ना हो। जब बूश ढीले पड़े हैं तो चाल तो फिर भी होएगी, और पिन जब नीचे से ढीली हो जाए तो शुक्र है वो उस चीज़ की जान बच गई इसमें, कि नीचे से जो पिन है वो ढीली नहीं हुई, तो उसमें अगर दिक्कत हो जाती फिर तो काम ख़राब ही हो जाता। और दोस्तों एक थोड़ा सा मेरे साथ मिस हैपनिंग होगी, वो चोट वगैरह भी लग गई, तो दोस्तों अभी आपको पता लग जाएगा कि जैसे कि मैं इसकी पिन निकालूंगा तो वो थोड़ी सी वो पिन जो है छूट के मेरे लग गई थी, तो टच हो गई थी, हल्की सी कट लग गया था हल्का सा, जैसे मैं अभी निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो पिन हल्की ढीली है, देखो मेरे यहाँ टच हुई और यहाँ चोट लग गई थी। तो चोट लगने के बाद दोस्तों हल्की सी मतलब थोड़ा सा हुआ कट वट लग गया, फेस ख़राब हो गया हल्का सा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब देखते हैं स्पैंडल के बारे में, स्पैंडल क्या कंडीशन है। तो स्पैंडल उसके खोल दिए हैं, और उसके स्पैंडलों में थोड़ी सी जहाँ चोट सी लगी है, और स्पैंडल जो थे दोस्तों उसके बैरिंग वगैरह सब ख़त्म है। क्या हुआ है? वो पिन छोड़ के बाकी जो मोड़ कर चले गए, मेरे चोट ये मार दी उसको। तो दोस्तों अब जो है स्पैंडलों को अंदर लेकर जाएंगे दोस्तों, क्योंकि स्पैंडल जो है अब रैमर किए जाने हैं, प्लस दूसरा इसके अंदर बैरिंग वैरिंग भी आएंगे नए, और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। फिलहाल तो है बैरिंग तो आ ही जाएंगे, और बूश तो बदलने पड़ेंगे, सबसे पहले बूश बदले जाएंगे। आप देख सकते हैं बूशों की तैयारी चल चुकी है बदलने के लिए, क्योंकि बूश जो है इसके बहुत ख़राब हो चुके थे, जो कि अब नए इसमें बूश लगाने होंगे दोस्तों में, क्योंकि बूशों से ही दोस्तों मैटर होता है मेन, जो ढीले होते हैं ऊपर नीचे की चाल होती है, फिर उसके बाद
वो चाल जब बनती है उसके बाद फिर बैरिंग की ऐसी होनी शुरू हो जाती है। जहाँ आपका बुश ख़राब हुआ, समझ लो ऊपर नीचे की चाल हुई, तो बैरिंग भी हिलना शुरू हो जाएगा, तो फिर बैरिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगा उससे। तो दोस्तों बुश ठुकते ही दोस्तों फिर रैमर किए जाएंगे, जो कि आप वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों स्पैंडल जो है हमने उसके बुश है वो निकाल लिए हैं, अब जो है बुश में दूसरा असेंबल करेंगे, उसके बाद फिर होंगे रैमर। रैमर होने के बाद दोस्तों फिर हम करेंगे फ्रंट एक्सल में जाके स्पैंडल फिट। दोस्तों बने रहना वीडियो के साथ, क्योंकि इसमें गाड़ी में कमी यही थी और किसी बंदे ने पता नहीं क्या खामियां, हाइड्रोलिक पंप वाला सिस्टम खामियां खर्चा लगा दिया उसका। तो दोस्तों दिखाएंगे हम आपको उसका फॉल्ट भी और फ्रंट एक्सल का भी, तो बने रहना वीडियो के साथ। तो दोस्तों हमने स्पैंडल रैमर कर दिए हैं, अब जो है इसे हम करेंगे वहाँ जाके असेंबल, बाकी वहीं जाकर देखते हैं गाड़ी में क्या कंडीशन है। बने रहना वीडियो के साथ, देखेंगे हम स्पैंडल फिटिंग करने का तरीका। पहुँच चुके हैं दोस्तों गाड़ी के पास स्पैंडल लेके, और अब जो है दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो है हमने स्पैंडलों को असेंबल करना है। दोस्तों आप देखेंगे कि पिन सेट करके उसमें ग्रीस वगैरह लगा के सफाई हुई करके तरीके से, तो बैरिंग जो है अटैच दूसरा हो जाएगा, और उसमें फिर उसके बाद जो है पूरी कंप्लीट तरीके से सेट कर देंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो बनाने का जो है मतलब महत्व था यही बताना था, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, अधिकतर कई बंदे जो हैं वो करवा लेते हैं मतलब हाइड्रोलिक पंप और गाड़ी के स्टीयरिंग में समस्या रहती है वो 15 दिन वाली, तो वो दोस्तों वो यही होती है। अगर आपके जो मतलब बैरिंग वैरिंग ख़राब है स्पैंडलों के और इसमें समस्या हो रही है, तो हाइड्रोलिक बार बार ख़राब हो रही है, वो यही मैटर करती है दोस्तों, क्योंकि इतनी जल्दी कोई सामान जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि इस पर लोड पड़ता है, स्टीयरिंग व्यवस्थित काटते हैं, क्योंकि नीचे के स्पैंडल जो वगैरह जो ख़राब हो चुके हैं, इस वजह से समस्या हो जाती है दोस्तों। तो आप जो है दोस्तों इन चीज़ों को सबसे पहले देखें कि स्पैंडल में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, स्पैंडल जो है इसके नीचे के बैरिंग ख़राब हो सकते हैं या किन पिन ख़राब हो सकती है, ढीली चल रही है, तो कई कारण बन जाते हैं दोस्तों जिसकी वजह से ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं, फिर ड्राइवर और मालिक को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अब जैसे कि आप देख सकते हैं स्पैंडल के अंदर जो पिन है वो मैं ठोक रहा हूँ आराम से, जो कि वो ठुकने के बाद जो है फेस तक मिल जाएगी, और फेस पर मिलते ही फिर हम इसकी साइड की जो काटर है वो लगाएंगे। आप देख सकते हैं काटर लगा रहा हूँ मैं, और जो है काटर लगाने के बाद दोस्तों ये जैसे भी बाहर निकालनी भी है, क्योंकि इसमें नट भी लगाना होगा, क्योंकि कई बार आधी काटर जो है मतलब पूरी अंदर तक टाइट रहती है, और दिक्कत ना हो जाए भाई, उल्टी सीधी ना लग जाए, गलत ना लग जाए, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब जो टिक्की वगैरह की ग्रीस साफ करके ऊपर रिंग लगा के लॉक लगा देना दोस्तों, तो इसमें नॉर्मल सही है, आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है स्पैंडल में। मगर स्पैंडलों में जो मेन जो काम था इसका, वो ये बुशों का था और पिन का चेक करने का, जो कि जिस वजह से ये समस्या पैदा हो रही थी, और जो कि वो समस्याओं का हमने सभी तरीके से समाधान किया है। और अपरली जब का स्पैंडल भी फिट करेंगे दोस्तों, उसमें भी सेम प्रोसेस है, और देखेंगे आप किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ, पूरी वीडियो देखना किस तरीके से हम इस काम को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों इसका जो फ्रंट एक्सल का काम था सारा स्पैंडल वाला, वो हमने फाइनल कर दिया है। और दोस्तों अब जो है इसकी हाइड्रोलिक का भी दोस्तों कह रहा है कस्टमर, बाकी देखते हैं खोलने के बाद पता लगेगा। हो गया काम भाई, स्पैंडल फिट हो गए? हाँ जी बिल्कुल। और हाइड्रोलिक कितनी देर में खुल रही है अब? बस हाइड्रोलिक डर लग रहा है क्या? हाँ डर नहीं लग रहा जी कोई है। तो अब असली कमी पता लग गई? हाँ बिल्कुल। तो फलानी जगह पे गए थे तो उन्होंने क्या करा आपके साथ? उन्होंने हाइड्रोलिक बदल दी है। हाँ भैया 15 दिन में चली हाइड्रोलिक, 10-15 दिन में ऐसे ही होगी। चलो आज तो भाई की हाइड्रोलिक खोलेंगे या गाड़ी की? गाड़ी की खुलेंगे। तुम्हारी तो पहले ही खुली हुई है। तो दोस्तों हल्की सी चोट लग गई थी, वो आपको बताया था मैंने काम करते हुए, और कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। जो है हाइड्रोलिक खोलने के बाद ही आपको मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा।
फालतू डाली हुई थी चाल कम करने के लिए। और इसकी हाइड्रोलिक यहाँ फिट होती है देखो दोस्तों, ये लगी हुई है ZF की और पीछे से लीक भी है, और प्लस क्या कंडीशन है देख लो, कह रहे 10-15 दिन में ख़राब हो गई है। बहुत ध्यान से खोलनी पड़ेगी क्योंकि ये सब ECM वगैरह लगा हुआ है, सेंसर वगैरह लगे हुए हैं सब, पाइप वगैरह टूटा हुआ है किसी चीज़ का। तो दोस्तों हाइड्रोलिक खुल चुकी है और वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों क्या कंडीशन है हाइड्रोलिक की। ये तो नहीं खोलने जरूर पड़ेगी, हाँ खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों हाइड्रोलिक अंदर ले आए हैं और हाइड्रोलिक अब खोल रहे हैं दोस्तों हम, ZF कंपनी की हाइड्रोलिक है और लेफ्ट वाली है दोस्तों, जिसमें उल्टा चक्कर होता है दोस्तों। इस बारे में आपको शायद पता हो, कुछ लोगों को पता होता है, कोई कईयों को नहीं पता होता इस बारे में कि ये उल्टे चक्कर वाली है दोस्तों। और इस हाइड्रोलिक पंप को जो है हमने खोल लिया और खोल के हम चेक करेंगे दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा जिस इंजीनियरों ने ये हाइड्रोलिक करी है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या लगाया इसमें एनाबोन, वो मैं आपको दिखाया था दोस्तों। तो कई बार मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि भाई इसमें एक पीछे रिंग आता है वो डाल दिया करें, तो बताओ एनामोड क्या यहाँ पे एनामोड क्या कर रही है, इस प्लेट पे लगी, चलो लगाते हुए वहाँ लग गई होगी, वो साइड पे लगाते होंगे इसलिए कि जिससे कि वहाँ से मतलब ढक्कन फिक्स हो जाए और लीक ना होए। भाई ये हाइड्रोलिक है यार, ये इसमें 120, 130, 140, 60 तक के मतलब कितने बार होते हैं, इनमें ये प्रेशर कैसे रोक लोगे तुम। जो कंपनी ने रिंग दिया हुआ है उससे ये लीक हो जाती है, वो फट जाता है रिंग है, पाइप फट जाते हैं, तो एनामोड क्या कर लेगी मुझे एक बात का बताओ। जब वो पहले हाँ एनामोड लगा देंगे बड़े स्पेशल तरीके से, हाँ भाई ये रुकी, इसमें रिंग आता है पीछे खांचे में रिंग डलता है दोस्तों, तो वो वहाँ पे आप रिंग डाल सकते हैं और डाल के इसकी लीकेज को रोक सकते हैं, फिर उससे कोई दिक्कत नहीं आने की दोस्तों। अगर आपको मार्केट में रिंग नहीं मिल रहा तो मुझसे आगे ले जाओ, मैं आपको दे दूँगा। 450 रुपये की किट आती है पूरी, और अकेला रिंग लेते हैं तो वो बेकार मिलता है, अच्छी क्वालिटी नहीं होती उसकी, तो वो कंप्लीट अगर किट लेंगे तो वो सस्ती पड़ती है। तो दोस्तों आप ये रिंग मार्केट में भी कहीं से खरीद सकते हैं अगर आप ढूंढेंगे तो, नहीं मिलता तो मुझसे संपर्क कर लो, मैं आपको बता दूँ कहाँ मिल जाएगा। तो रिंग इसमें डालना और कोई इतना लंबा चौड़ा वाला मैटर काम नहीं है इसमें, कि यहाँ पर बहुत तगड़ा काम है। ये वाला रिंग है देखो, मैंने अब नया डाल दिया इसके अंदर, और जो पुराने वाला था उस पर एनामोड लगी हुई थी वो इसे ख़राब हो गया था, वो मजबूरी होगी इस मिस्त्री की कि जब उस पर रिंग नहीं मिल रहा होगा तभी उसने क्या करा एनामोड लगा दी। मगर थोड़ा सोचो, जहाँ हाइड्रोलिक का इतना हाई प्रेशर है तो वहाँ पे एनामोड नहीं चला करती, वहाँ पे रिंग वगैरह चलते हैं जो उसके साइज़ होते हैं दोस्तों। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था, अब जैसे कि अब हाइड्रोलिक मैंने रेडी कर दी है और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें कोई फॉल्ट नहीं था, इसमें जो हाइड्रोलिक पंप का सारा सामान था नया था, चेक किया गया था क्योंकि ये बता रहा था कि नया लगाया है, बाकी कंडीशन नवी तो लग नहीं रही है, शायद पुराने में कोई काम कराया होगा इसमें, बाकी सामान सब सही था इसके अंदर, कोई ख़राबी नहीं निकली इसमें किसी भी प्रकार की। और जो है अब हम इस पर प्रेशर चेक करेंगे, तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं प्रेशर कितना है इसका, जो कि हाथ से ही काम कर रहा है पूरा प्रॉपर तरीके से। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये कितना मतलब एकदम ही झटका मार दिया, देखो पूरा प्रेशर आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस हाइड्रोलिक पंप को चेक कर सकते हैं, और आपको दिखाई दिया दोस्तों मैंने पूरी वीडियो में कि इस गाड़ी के अंदर जो है फ्रंट एक्सल का फॉल्ट था जो कि हाइड्रोलिक का नहीं था, जो कि अब उसने नई लगाई है, डिस्पोजल लगाई है, ये तो मैं कह नहीं सकता इस बारे में, कंडीशन तो देखो नई भी जैसी भी है कुछ, और कुछ पुरानी जैसी भी लग रही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये मैंने फॉल्ट जो बताया आपको कैसा लगा, ज़रूर मुझे आपके कमेंट का रहेगा इंतजार। फिलहाल अगर ऐसी से अगर आपको वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।